हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज मैं एक तेलुगु मूवी ट्रेलर को रिएक्ट करने वाला हूँ गाइस, जिसका नाम है जय अम्मा पंचायती। तो अब पंचायती यानी पंचायत हो सकता है, तो अब क्या जय अम्मा क्या है? क्या जो कैरेक्टर है वो पंचायत की जो सरपंच होते हैं क्या वो है, या फिर क्या है? वो पंचायती लिखा हुआ है तो हो सकता है कि वो सरपंच का रोल प्ले कर रही हो। तो अब इसमें जो एक्ट्रेस है उनका नाम है सुमा कना कला। तो अब मेरे को लग तो रहा है कि पंचायती नाम है तो पंचायत के ऊपर ही कुछ होने वाला है। तो पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं और बाद में बात करते हैं कि भाई ट्रेलर के अंदर है क्या। रा बाबा, मा ऊर पंचायती शुद्ध करे ये ऊर लो जरगने एराइटी कोरवड़ जरुगुतुंदे। ఏడ్ చేయమ్మా, నువ్వు పంచాయతీకి రావడం ఏంటి? నేనెందుకు వస్తాను? మీరే వచ్చేటట్టు చేసినారు. ఇదేం పంచాయతీ అన్న? రెండు రోజులు చూస్తాను ఇప్పుడు పద్ధతి. కష్టమో నష్టమో ఏటైనా మనమే చూసుకోవాలి, కానీ ఇలాగ పంచాయతీలు ఎట్టి పరువు తీసుకుంటామా? ఈ ఒక్క విషయంలో నువ్వు ఏడు చెప్పినా నేను ఈ గంటకో చెప్తాను. సత్యం, మీ ఊళ్ళో కాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉందా? నేను ఎంతెవరని తెలిసిన తర్వాత కూడా నాకు గుడిచ్చారంటే నేను బ్రాహ్మణ్ అవడం వాళ్ళే కదండి. ఎవరైనా సైకిల్ నేర్చుకుంటే దెబ్బలు తగులుతాయి, కానీ కుక్క దెబ్బ కూడా తగకుండా నేర్పిస్తాను. ఎవరి వల్ల సెడ్ అవరా ఈరన్నా అంటే నోటి వల్ల సెడ్ అనరా కాటం రాజా అన్న. కంట్రోల్ యువర్ టంగ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి కంట్రోల్డ్. యా మ్యూజిక్ హే యార్. నా కర్మ ఏంటో, ఊర్లో సమస్యలన్నీ మా ఆయన జబ్బు చుట్టే ఉన్నాయి. మనం ఎవరెవరికైతే ఈడ్ లేసామో వాళ్ళందరూ మనకు తిరిగి ఇవ్వాల్సిందే. లేదంటే సుట్టాలు లేరు, ఊళ్ళో వాళ్ళు లేరు, ఒక్కొక్కళ్ళకి ఉంటది. దొంగల గాలిదేరి 6th ఆఫ్ మే. ओके गाइस, तो जैसे मैंने कहा था कि पंचायत के ऊपर होने वाली है, अब मुझे लगा था कि वो हो सकता है कि वो पंचायत का सरपंच का रोल प्ले कर रही है, बट वो सरपंच का रोल नहीं प्ले करती बल्कि वो मदद मांगने जाती है पंचायत में। और पता नहीं वो अब उसको इतना मतलब डिफेम किया जाता है कि भाई तुम क्यों आई हो औरत हो के, बल्कि जैसे हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड भी बोलता है कि हम ये कॉन्फ्लिक्ट अपने में कर सकते हैं, सेटल डाउन कर सकते हैं, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। बट जैसे उसमें बताया कि भाई पति की जो हालत है कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ इश्यूज़ है, बेटे के हेल्थ इश्यूज़ है, इस वजह से उसको पैसे की ज़रूरत है, और जो बल्कि उसने दिए है लोगों को, उसकी फैमिली ने दिए है लोगों को, और वो बस वापस जाती है, जिसके लिए उसको पंचायत जाना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा है जो दो लोग हैं बोलते कि भाई मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे, और दूसरा बोलता है कि मैं अपने ब्रदर से मांग के दे दूंगा। तो जैसे कि उसी के पैसे है, उसी को चाहिए, उसकी फैमिली को ज़रूरत है, और उसके लिए उसको पंचायत जाना पड़ रहा है, और जो पंचायत है और जो लोग हैं कहीं ना कहीं उसी को कोस रहे हैं। तो मतलब ज़बरदस्त, मतलब क्या समाज है भाई कि उसी को कोस रहा है, जबकि सब कुछ उसका है, पैसे उसके है, जबकि उसका पति भी उसको बोल रहा है। मतलब सच में गाइस काफ़ी से रिलाने वाला चीज़ है ये। और मतलब कहीं ना कहीं सेम चीज़ अभी जो जयेश भाई जोरदार आई है मूवी रणवीर सिंह की, उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ही कॉन्सेप्ट, पंचायत का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमें बताया गया है कि जो रणवीर सिंह है उनके जो पिता है वो सरपंच है, और अब वो सरपंच बनने वाला है, तो आगे उसको एक बेटा चाहिए सरपंच बनने के लिए, एक लड़की नहीं चाहिए। वो पूरी मूवी उसके ऊपर है, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पंचायत में एक औरत है उसकी इज्जत नहीं कर रहे वो लोग कि भाई तुम क्यों आगे, बल्कि तुम्हारे पति को आना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि वो बोलती है कि भाई मैं नहीं आई, तुम लोग के बोलने की वजह से मुझे आना पड़ा,
क्योंकि शायद हो सकता है उसका जो पति है वो उतना एबल ना हो आने के लिए। तो मतलब सही में गाइज एक औरत के प्रस्पेक्टिव से जिस हिसाब से मूवी दिखाई गई है कि अगर आप एक औरत हो और आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो जाए कि आपका जो पति है वो बीमार पड़ जाए, आपका बेटा बीमार पड़ जाए और अब आपको संभालना है पूरा घर, और उसके ऊपर ऐसी चीज़ हो जाए कि आपने जो मनी लेंड किया था आपको वापस चाहिए, वो उसके लिए आपको लड़ना पड़े, और पंचायत में लोग जैसे आप दिखा रहे कि भाई आदमियों की इज्जत करते औरतों की उतनी इज्जत नहीं करते, और उसने अब कॉन्फिडेंटली अपना जो केस है वो सामने रख रही है लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। बल्कि एक जगह पे तो मतलब ऐसे दिखाया गया कि वहाँ एक बंदा बोलता है कि हमारी जो गांव है वो आजकल जो लोकल न्यूज़पेपर है उसमें चर्चा में है, मतलब हर फर्स्ट पेज पे रहता है। मतलब किस हिसाब से उसको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जा रही है यार। वो बस अपना शायद पैसा चाहती है वापस, जिससे वो अपना घर सुधार सके, अपनी फैमिली सुधार सके, और यहाँ पे लोग उसको पूरी तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं कि भाई तुम एज अ औरत यहाँ पे क्यों आई, एज अ औरत काम करो। और आगे हम जैसे देख सकते वो उल्टा टंगे हुए थे, अब शायद उसने किया कि किसने किया, लेकिन सही में यार अब वो पंचायत के लोग थे, ज़बरदस्त होगा अगर पंचायत के लोग होंगे तो। सही में मतलब परफॉर्मेंस जो है एक्ट्रेस की जो परफॉर्मेंस है मुझे सही में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है इसके अंदर। जो सुमा कनाकला जी है उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है इतनी जेन्युइन लग रही है, इतनी अच्छी लग रही है, उनके एक्सप्रेशन हो गए, उनके डायलॉग्स हो गए। एक डायलॉग जो बोलती है कि सिर्फ इंसान अपना मुंह बंद रखे तो उसकी सारी चीज़ें सही हो सकती है, मतलब सही में यार इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स उसमें लिखे हुए हैं और उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से डायलॉग्स बोले हैं, एक्टिंग इतनी अच्छी की है। और इसमें और भी मतलब जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर काफ़ी सारी स्टोरी चल रही है, उनका उसकी जो बेटी है उसकी अलग स्टोरी चल रही है, बेटे की अलग चल रही है, और उसकी उसका जो पति है वो बीमार है और उसको इतनी सारी परेशानियां हैं, कहीं ना कहीं वो हर किसी को सुधारते हुए नज़र आ रही है, भले उसका बेटा हो बेटी हो या फिर उसका पति हो उसको भी बोल रही है वो। तो ओवरऑल मतलब जिस हिसाब से ये स्टोरी लिखी गई है कहीं ना कहीं सारा का सारा चीज़ें कवर कर ली है कि एक इंसान एक औरत अगर उसके ऊपर ऐसी चीज़ें टूट पड़े जो परेशानियां हम देख रहे हैं जो उसके ऊपर आ पड़ी है तो उसको कैसे फेस करेगी वो, और उस सारे के सारे चीज़ों के अंदर वो अपनी फैमिली को तो प्रोटेक्ट कर रही है और साथ में लोगों की ताने भी सुन रही है और उनकी वो जो उसको डिफेम करना चाहते हैं उसको नीचा दिखाना चाहते हैं उससे भी लड़ रही है। तो जेन्युइनली गाइज मतलब बहुत ही एक डीप टचिंग सी स्टोरी लग रही है। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में भी कहा है गाइज कि जो साउथ की जो मूवीज होती है उनके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और एक बहुत अच्छा नॉलेज है जब भी बात आती है एक विलेज ओरिएंटेड मूवी बनाने की, भले वो किसी इंसान आदमी के ऊपर हो या औरत के ऊपर हो या बच्चे के ऊपर हो, जब भी बात आती है एक विलेज ओरिएंटेड मूवी बनाने की तो उनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, साउथ का मतलब साउथ इंडस्ट्री का कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। यही चीज़ जैसे मैंने कहा कि आपको नॉर्थ में नहीं दिखती, इतनी अच्छी इतनी कन्विंसिंग सी स्टोरी आपको नॉर्थ में देखने नहीं मिलती। जब भी कोई विलेज की बात आती है तो कुछ और लेवल पे कुछ स्टोरी बन रही होती है, बट इस लेवल पे नहीं बनती, इतनी डीप नहीं बनती और इतनी अच्छी तरीके से किसी औरत का केस जैसे दिखाया जा रहा है वो नहीं दिखाया जाता, जो कि सही में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि साउथ में वो दिखाया जाता है। कल्चरली भी वो लोग अपनी मूवी को इतना अच्छा दिखाते हैं, और चाहे वो शहर की मूवी हो या गांव की तो बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाते हैं। तो कोई भी एरिया की वो मूवी लेते हैं उसको वो बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो मेन फोकस होता है वो स्टोरी पे होता है कि स्टोरी कितनी अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर कैरेक्टर्स कितने अच्छे होने चाहिए। तो मुझे ओवरऑल गाइज वो बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर, और आपको कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय।